वो मेन गेट से ना आकर के और वो बच्चे अचानक घर पे नहीं पहुंचे हैं। 7 टीमों के द्वारा उनकी तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए दोनों बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं। थाना सेक्टर 58 पर सूचना प्राप्त हुई कि करीब 13 वर्ष की उम्र के दो बच्चे उत्तरांचल पब्लिक स्कूल सेक्टर 55 से स्कूल गए लेकिन घर वापस नहीं आए। उपरोक्त सूचना पर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार थाना सेक्टर 58 पुलिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्चों की तलाश हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में 7 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम के मैराथन प्रयास के पश्चात दोनों बच्चों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर महोदया द्वारा बच्चों को सकुशल तलाश करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए पूरी खबर। ये परसों सायंकाल को दो परिजन थाना सेक्टर 58 पर आए थे, जिनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है जो सेक्टर 56 में 58 थाना क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर दोनों बच्चे 5 तारीख को सुबह स्कूल आए थे और जिनको वापस घर जाना था और परिजन गेट के बाहर स्कूल पर खड़े भी थे, वो मेन गेट से ना आकर के और वो बच्चे अचानक घर पर नहीं पहुँचे हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना की सूचना पर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में जॉइंट सी पी येलो साहब और डीसीपी साहब के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया गया और 7 टीमों के द्वारा उनकी तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए परिजनों के साथ मिलकर और लोगों से मिलकर प्रयास किया गया, जिस क्रम में आज सफलता मिली है। दोनों बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम के दौरान जो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे स्कूल का एक पीछे का गेट है, उस दिन ये दोनों बच्चे मुख्य गेट से ना आकर के अपने वो पीछे वाले गेट से निकल करके गए थे और जाते हुए हम लोगों के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा, 7 टीमों के द्वारा करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो डिफरेंट चौराहों पर, दुकानों में, सोसाइटीज़ में जगह जगह लगे हुए थे, जहां पर उनको ट्रेस किया गया और सेक्टर 58 से लेकर के खोड़ा थाना क्षेत्र, दिल्ली का एरिया, गाज़ियाबाद का एरिया, जगह जगह अन्य जो हमारे जनपद थे, जितने मेट्रो स्टेशन थे, जितने रेलवे स्टेशन थे, जितने बस अड्डे थे, वहाँ पर विभिन्न तरह की हम लोगों ने डिक्वाय टीम भी लगा रखी थी कि वो छोटे बच्चे हैं, पुलिस को देख करके वो छुप भी सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञात हुआ था कि बच्चे कुछ ऐसी पोजीशन में थे कि जिस पर हमें क्लू मिला था कि बच्चे स्वतः जा रहे हैं। कई कैमरों में जब फुटेज प्राप्त हुई कि बच्चे ये खुद ही जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, तो वहाँ एक ये भी अंदेशा था कि पुलिस को देख करके बच्चे छुप सकते हैं, अपने गार्जियन को देख करके बच्चे छुप सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पर प्लेन क्लोथ में, यूनिफॉर्म में, परिजन के साथ मिलकर के तमाम टीमें लगा रखी थी, जिनमें यह सफलता हाथ लगी है। दोनों बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं और दोनों बच्चों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। परिजन भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के द्वारा पूरी पुलिस टीम को 20,000 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। जो अभी तक पूछताछ से बच्चों के द्वारा बताया गया है और परिजन के द्वारा भी जो बताया गया था स्कूल के माध्यम से कि बच्चे किसी बात को लेकर के नाराज हो गए थे, इसको लेकर के उनके द्वारा ये कदम उठाया गया था। बच्चों की काउंसलिंग की गई है, बच्चों की काउंसलिंग लगातार की जा रही है। हमारी एक टीम है जो बच्चों के और अभिभावकों की काउंसलिंग के लिए कार्य करती है, तो उसके लिए हम लोग बच्चों के लगातार संपर्क में आगे भी रहेंगे और हम आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया का यह संदेश सभी अभिभावकों को, सभी परिजनों को देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने बच्चों को लेकर के संवेदनशील रहें और बच्चों पर किसी भी तरीके से शाब्दिक, वर्बल या किसी तरह की कठोरता किसी भी तरीके से घातक होती है, इसलिए सभी बच्चों की परवरिश अच्छे से करें।